आज के इस वर्तमान युग में धन संपत्ति मतलब कि पैसा मनुष्य के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की तमाम भौतिक आवश्यकताएं धन के द्वारा ही पूरी होती हैं। और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि धन संपत्ति समृद्धि का एक नाम लक्ष्मी भी हैं, और माँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की पत्नी हैं। लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को अपने पति के रूप में वरण किया है, जिससे कि इनकी शक्तियां और भी प्रबल मानी जाती हैं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, उस घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, और जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, उस घर में दरिद्रता आने लगती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम माँ लक्ष्मी को खुश करें, और उन्हें खुश करने के लिए जरूरी है कि उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करें। वहीं शास्त्रों के मुताबिक शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि शुक्रवार को कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी हमेशा ही खुश रहती हैं। धन की देवी न केवल धन बल्कि नाम और यश भी देती हैं। जो भक्त देवी लक्ष्मी की पूजा करता है, उनके संसार में कुछ भी अप्राय नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रह लक्ष्मी देवी गृहणियों यानी कि घर के स्त्रियों में लज्जा क्षमा शील स्नेह और ममता के रूप में विराजमान रहती हैं। वो मकान में प्रेम और जीवंतता का संचार करके उसे घर बनाती हैं। इनकी अनुपस्थिति में घर कलह झगड़ों निराशा से भर जाता है। गृह स्वामिनी को गृह लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जहाँ गृह स्वामिनी का सम्मान नहीं होता है, गृह लक्ष्मी भी उस घर को त्याग देती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि घर के स्त्रियों का सम्मान किया जाए और उन्हें कभी भी किसी तरह का कोई कष्ट ना दें। इसके साथ ही साथ ये मान्यता है कि शुक्रवार के दिन घर की लक्ष्मी को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी की खास कृपा बनी रहती है और कभी भी घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। आज हम आपको माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए आपको एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं, जिसे अगर घर में पति पत्नी एक साथ मिलकर माँ लक्ष्मी के सामने जाप करते हैं, तो इससे आपके जीवन की धन से संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। आपको बता दें कि इस मंत्र का जाप आपको शुक्रवार के दिन करना है, और उसके साथ ही साथ कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना है। जैसे कि इस मंत्र का जाप करने के पहले आपको सुबह सवेरे जागना होगा, स्नान करके पूजा के लिए बैठें, और तब महालक्ष्मी के इस महाशक्तिशाली बीज मंत्र ओम श्री श्री नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप पूरा करने के बाद माँ लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाएं, फिर 7 साल की आयु से कम की कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। भोजन में खीर और मिश्री जरूर खिलाएं। इस उपाय को लगातार 3 शुक्रवार करते हैं तो इसका प्रभाव खास तौर पर दिखेगा, और ऐसा माना गया है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।